अब इस 13वें सवाल में कह रहा है कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब जो यहाँ इस 13वें सवाल में सरणी दी हुई है, इस सरणी से हमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। मतलब बच्चों की संख्या 0 है तो उन परिवारों की संख्या 15 है, और जिस परिवार में सिर्फ एक बच्चा है उन परिवारों की संख्या 30 है। इस प्रकार यह बच्चों की संख्या है या परिवारों की संख्या है? तो क्योंकि बच्चों की संख्या 0 वाले परिवारों की संख्या 15 है, मतलब 0 रहा होगा 15 बार, 1 रहा होगा 30 बार, तो यह तो हुआ एक्स, और चूंकि यह बारंबारता है इसलिए यह है एफ। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम एफ एक्स की गुणा कराकर उसको फिर जोड़ लेंगे, और फिर सिग्मा एफ जितना आएगा उससे भाग करा देंगे, तब निकल आएगा समांतर माध्य। और यदि यहाँ पर एक्स बड़ा लग रहा है कि एक्स बहुत बड़ा है, एफ से गुणा कराना थोड़ा कठिन होगा, तब एक्स को छोटा करके हम यह सूत्र लगा देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डेल्टा अपान सिग्मा एफ। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्स कोई खास बड़ा नहीं है, गुणा आसानी से हो सकती है, इसलिए डायरेक्ट हम गुणा करा लें एफ और एक्स की। तो 15 के गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 30 अक्कम 30, फिर 25 दूनी 50, 19 तिया 57, 8 चक्कू 32, 5 दूना 10 और 6 अक्कम 6। तो लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की जरूरत है सूत्र में, इसलिए पहले तो सिग्मा एफ एक्स पता कर लें, मतलब एफ एक्स को जोड़ लें। तो इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7 2 9 6 15, हासिल 1 4 5 9 9 5 14, 14 3 17 1 18, तो यह हो जाएगा 185। और हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की। तो चूंकि कुल परिवारों की संख्या 100 है, इसका मतलब इसको जब जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, या जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि में मजदूरों की संख्या 500 दे रखा था, जबकि जोड़ा गया था तो 509 आया था। तो इसको भी जोड़ के चेक कर लें तो 30 और 15 45, और 25 70, 70 और 10 80, और 20 ये तो हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब इस बार सही दिया हुआ है। तो अब इसमें ये मान रख दें तो एफ एक्स हमारे पास है 185, तो 185 और बटे में सिग्मा एफ रखेंगे 100। तो चूंकि यहाँ पर 100 आ गया है, और जिस संख्या में 0 होता है उसको भाग कराना बड़ा आसान होता है, तो चूंकि एक के बाद 2 जीरो हैं, इसलिए इधर से हम 2 पर दशमलव लगा दें तो यह हो जाएगा 1.85। अतः जो समांतर माध्य का आंसर है वह तो आ गया, जो कि आया है 1.85। अब हमें पता करना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए चूंकि हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता है, तो इसी सारणी में संचयी बारंबारता पता कर लें, अलग से हमें सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हटा दें यहाँ से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को हम CF या कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, तो यह हो जाएगा संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता तो निकालना सीख ही चुके हैं कि F का जो पहला पद होता है वह तो ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, और फिर हम इसको तिरछा जोड़ते हुए चलते रहते हैं। तो 15 में हमें जोड़ना होगा 30, तो हो जाएगा 45, फिर 45 में 25 जोड़ना है तो हो जाएगा 70, फिर 70 में हमें 19 जोड़ना है तो यह हो जाएगा 89, और फिर 89 में हमें 8 जोड़ना है तो यह हो जाएगा 97, फिर 97 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99, और फिर 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो चूंकि लास्ट में 100 आ गया है, इसका मतलब संचयी बारंबारता सही ही निकली है। तो अब चूंकि हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम n देखते हैं, तो n यहाँ पर 100 ही है, क्योंकि सिग्मा f को भी हम n ही कहते हैं, और यदि यही आंकड़े वर्ग अंतराल में होते तब हमें n अपान 2 देखना पड़ता। तो चूंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल तो दिया नहीं है, इसलिए सिर्फ हम n देखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि n बराबर 100, तो अब हमें सम और विषम देखना होगा। तो चूंकि 100 एक सम संख्या है, तो लिखेंगे जो कि सम है, इसलिए माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा? तो जब पदों की संख्या सम होती है तब माध्यिका बराबर क्या होता है? n अपान 2 वां पद प्लस n अपान 2 प्लस 1 वां पद, और सबके बट्टे में 2 होता है। अब इसमें सबके मान रखेंगे तो n का मान हम रखेंगे 100, तो हो जाएगा 100 बटे 2, मतलब 50 रह जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 50वां पद और प्लस 50 और प्लस 1वां पद, मतलब कुल हो जाएंगे 51 पद। तो लिखेंगे प्लस 51वां पद और सबके बटे 2। तो 50वां पद क्या होगा? तो 50वां पद वह होगा जिसकी संचयी बारंबारता 50 से ज्यादा है, अर्थात 70 है। ठीक है, क्योंकि जो 50 है यह 45 और 70 के बीच में है, और हम बड़ा वाला लेते हैं तो 70 के ठीक सामने वाला जो भी x होगा वही होगा 50वां पद, जो कि है 2।
तो हो जाएगा 2 और प्लस 51वां पद भी इसी में आएगा 70 में ही, इसका मतलब इसका भी x जो होगा वह 2 ही होगा और बटे में है 2, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 और 4 का आधा करेंगे तो रह जाएगा 2। अतः जो माध्यिका आई है वह आई है 2। तो समांतर माध्य भी पता चल गया, माध्यिका भी पता चल गई है। अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो हम जानते हैं कि बहुलक में हमें संचयी बारंबारता की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुलक में हमें सिर्फ बारंबारता देखनी होती है। तो चूंकि बहुलक के लिए हम सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं, तो जो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता है वह 30 है, और 30 किसकी बारंबारता है? 1 की है। अतः जो बहुलक होगा वह 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो है यह 30 बार लिखा गया होगा, 2 25 बार लिखा गया होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार जो है वह 1 ही है, अतः जो बहुलक होगा वह 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 30 है, जो कि यह 1 की बारंबारता है, अतः बहुलक बराबर 1, तो बहुलक का आंसर 1 हो जाएगा। अब 14वें सवाल में कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा द्वारा सांख्यिकी के प्रश्न पत्र में 50 में से प्राप्तांकों की सूची निम्न प्रकार है। तो ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, और फिर कह रहा कि वर्गांतर 5 अंक लेकर आवृत तालिका की रचना करो और इस तालिका से समांतर माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करो। मतलब एक कक्षा में सांख्यिकी के प्रश्नों का टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट का पूर्णांक था 50, तो 50 में से किसी बच्चे ने 22 नंबर प्राप्त किए, किसी बच्चे ने 47 नंबर प्राप्त किए, इस प्रकार से ये नंबर दिए हुए हैं 60 बच्चों के। मतलब जो ये दी हुई संख्याओं को हम गिनेंगे तो कुल ये संख्याएं 60 होंगी यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर यह पता करना है जो 60 बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं, तो इन अंकों को हम वर्गांतर 5 लेकर पहले तो एक आवर्त सारणी बनाएंगे, ठीक है। फिर उस सारणी से हमें समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी होगी। तो वर्गांतर यहाँ पर कहा गया है, तो वर्गांतर हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि वर्गांतर को हम इस प्रकार से कहते हैं कि 10 से 20, 20 से 30 या 5 से 10, 10 से 15। तो इस वर्गांतर में 5 का अंतर है और इस वर्गांतर में 10 का अंतर है। तो सवाल ने कहा है कि वर्गांतर 5 लेकर, ठीक है, मतलब हमें जो वर्गांतर लेना है वह लेना है 5। तो पहला कॉलम हमारा हो जाएगा प्राप्तांक, तो इन प्राप्तांकों को हमें वर्गांतर 5 लेना है, मतलब हमें इस वर्ग को फॉलो करना है, ठीक है, ना कि इस वर्ग को, क्योंकि इसमें 10 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, तो इसमें भी हम 5 का ही अंतर लेंगे। तो अब हम इन आंकड़ों में देखेंगे कि जो भी यहाँ पर अंक दिए हुए हैं क्या वो 5 से कम तो नहीं है कोई। तो देखिए यहाँ पर इन प्राप्तांकों में 2 है जो कि 5 से कम है, 0 है जो कि 5 से कम है। इसका मतलब जो पहला वर्ग हम लेंगे वो लेंगे 0 से 5। मतलब हमें यह देखना है कि कितने बच्चों ने 0 से 5 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। फिर देखेंगे कि 5 से 10 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, फिर 10 से 15 देखेंगे, फिर 15 से 20 और फिर लास्ट में 45 से 50 रखना होगा। इसका मतलब जो भी अंक रहे होंगे वो 50 के अंदर ही रहे होंगे। और जो यहाँ पर ये प्राप्तांक लिए गए हैं, देखिए प्रत्येक प्राप्तांक में सिर्फ 5 का ही डिफरेंस है, क्योंकि 20 में से 15 घटाएंगे 5 बचेगा, 40 में से 35 घटाएंगे 5 बचेगा, 50 में से 45 घटाएंगे 5 बचेगा। तो 5 का वर्गांतर तो हमने ले लिया। अब हमें देखना होगा कि जो यहाँ पर ये 0 से 5 अंक प्राप्त किए हैं वो कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या या सीधे बारंबारता भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो अब हम देखेंगे कि 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए इस लाइन में तो 0 से 5 के बीच में कोई संख्या है नहीं, लेकिन इसमें है 2, ठीक है, तो 1 तो मिल गया 2। फिर इस लाइन में यहाँ पर है 0, और फिर इस लाइन में कोई दूसरी संख्या तो है नहीं जो 0 से 5 के बीच में है, इसमें भी 0 से 5 के बीच में कोई संख्या नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है संख्या, इसमें एक यह संख्या है 3, और फिर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 0 से 5 के बीच में भी कोई संख्या नहीं है। मतलब 0 से 5 के बीच में जितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं वो है कुल बच्चे 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब हम देखेंगे 5 से 10 के बीच में, तो 5 से 10 के बीच में यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है। तो एक तो संख्या यह है जो कि है 9, तो यह तो आ जाएगी 5 और 10 के बीच में,
और इस लाइन में भी कोई संख्या नहीं है बीच में, इस लाइन में देखिए यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोई भी वर्ग अंतराल लेंगे, जैसे मान लेते हैं 5 से हमने 10 लिया, ठीक है, तो 5 तो लेंगे लेकिन हम 10 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 से 10 का मतलब ये है कि हम 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 और 9 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस 10 को हम नहीं लेंगे, यह 10 कब लेंगे, जब हम 10 से 15 वाले वर्ग अंतराल में आएंगे तब यह 10 ले लेंगे। तो इस 10 को तो हम लेंगे नहीं, इस 10 को हम इस वर्ग अंतराल में लेंगे 10 से 15 वाले में। तो हमें सिर्फ अभी यहाँ पर 9 मिला है, तो एक तो 9 मिल गया है, इस लाइन में तो कुछ मिल नहीं रहा है, फिर इस लाइन में भी 10 है जो कि यह लेंगे नहीं, यह लेंगे हम 10 से 15 वाले में, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, इसमें कौन सी संख्या, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, इसमें भी कोई संख्या नहीं है। मतलब जो 5 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या है सिर्फ 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखेंगे कि 10 से 15 के बीच में कुल अंक कितने प्राप्त किए हैं छात्रों ने, तो 10 से 15 वाले में हम जान चुके हैं कि 10 भी लेंगे और 15 नहीं लेंगे, 15 से छोटा कौन है, 14, 14 ले सकते हैं, 15 लेंगे 15 से 20 वाले वर्ग अंतराल में। तो 10 से 15 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, एक तो हो जाएगी 13, और इस 15 को तो लेंगे नहीं, और एक यह संख्या मिल रही है 13, और फिर यहाँ पर 15 है जिसे नहीं लेंगे, अब यहाँ पर हम 10 ले लेंगे क्योंकि हम 10 से 15 के बीच में चल रहे हैं, तो एक तो संख्या यह मिल गई, और एक यह इस लाइन में मिल जाएगा 10, और यह मिल जाएगा 14, और इस लाइन में एक यह मिल रहा है 10, और फिर यहाँ पर मिल रहा है 12, और फिर इस लाइन में भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब 10 से 15 के बीच में जितने छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब हम देखेंगे 15 से 20 के बीच में कितनी यहाँ पर संख्याएं हैं, तो पहले जो ये संख्या ले ली गई है इनको यहाँ से हटा दें। अब 15 से 20 के बीच में यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, तो 15 से 20 के बीच में एक तो संख्या यह आ रही है 17, ठीक है। अब चूंकि 15 से स्टार्ट किया गया है इसलिए हम 15 भी लेंगे, और यह 18 भी 15 से 20 के बीच में है, और यह भी 15 ले लेंगे, और इसमें कौन कौन सी संख्या है, यह 16 है तो 16 ले लेंगे, और इसमें एक 19 है तो यह 19 ले लेंगे, और इसमें 18 है, फिर 18 के बाद यहाँ पर फिर 18 है, फिर इसमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, फिर इसमें यह 16 मिल रहा है, फिर इसमें यह 18 मिल रहा है, और तो कोई संख्याएं मिल नहीं रही हैं 15 से 20 के बीच में। उन विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखेंगे कि 20 से 25 के बीच में कुल संख्याएं कितनी हैं, तो 20 से 25 के बीच में एक तो 22 आ जाएगा, और यह 21 भी 20 से 25 के बीच में है, और इस लाइन में यहाँ पर 25 है जो कि यह 25 से 30 वाले कॉलम में लेंगे, तो इसको नहीं लेंगे, और फिर यहाँ पर यह है 24, फिर 22 है, और फिर यहाँ पर 21 है, और यहाँ पर 24 है। अतः 20 से 25 के बीच में जितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब देखेंगे 25 और 30 के बीच में, इस लाइन में तो कोई है नहीं, इस लाइन में यहाँ पर यह मिल रहा है 27, क्योंकि यह 25 और 30 के बीच में है, फिर 30 के बीच में हमें लेनी है, तो एक हो गया 29, और एक यह 26, और यह 25 भी लेंगे, और एक यह है 26, फिर यहाँ पर यह 25 है, और यह एक 25 है, और यह 28, फिर 25, फिर 27, और यहाँ पर देखिए यह 24 छूट गया है जो कि यह 20 से 25 के बीच में ही है, तो 20 से 25 के बीच में यहाँ पर एक संख्या और बढ़ गई है जो कि है 24। तो अब कुल कितने हो गए 20 से 25 के बीच में संख्याएं, 6 थी, एक संख्या यह बढ़ गई, तो कुल संख्याएं हो गई 7। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हम 25 से 30 के बीच में संख्या देख रहे थे, तो यहाँ तक हो गया है। अब इस लाइन में और कोई संख्या नहीं है, फिर इसमें 26 है, फिर 29 भी है, 28 भी है, 25 भी है, 27 भी है, और 29 भी है। तो देखते हैं कि कुल कितने विद्यार्थी हैं जो 25 से 30 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 16। तो जो ये संख्या ले चुके हैं इनको यहाँ से अब हम हटा सकते हैं। अब देखेंगे 30 से 35 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 30 से 35 के बीच में यह तो एक हो जाएगा 31, फिर यह 33, 34, 33, 33 और एक यह 33, एक यह 33। तो 30 से 35 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखेंगे 35 से 40 के बीच में। तो 35 से 40 के बीच में एक तो 38 हो जाएगा, एक यह 36 हो जाएगा, एक यह 35 हो जाएगा, एक यह 35 हो जाएगा और एक यह 36 हो जाएगा और एक यह 38 हो जाएगा। अतः 35 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 40 और 45 के बीच में देखेंगे तो 40 और 45 के बीच में यहाँ पर चूंकि दो ही संख्याएं बची हैं तो 40 और 45 के बीच में सिर्फ यही आएगा 42। तो यहाँ पर चूंकि एक ही संख्या आ रही है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 और 45 से 50 के बीच में यही एक संख्या रह गई जो कि है 47। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए जो यहाँ पर यह बारंबारता लिखी गई है यह सही है या गलत इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? क्योंकि जो कुल विद्यार्थी हैं वो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 60। मतलब जब इसे जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त होना चाहिए। अगर 60 यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ जोड़ने पर तो हम समझ जाएंगे कि कोई ना कोई संख्या यहाँ पर छूट गई है। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसे तो 4 1 5 5 और 7 12 12 और 7 19 19 6 25 25 7 32 32 6 38 38 और 2 40 का 0 हासिल 4। तो 4 और 1 यह 5, 5 और 1 6, तो जोड़ने पर 60 प्राप्त हुआ। अतः कोई भी संख्याएं नहीं छूटी हैं, सभी संख्याएं ले ली गई हैं। तो जैसा कि सवाल ने कहा था कि वर्गांतर 5 लेकर आवर्त तालिका की रचना कीजिए, तो आवर्त तालिका की रचना तो हो चुकी है। ठीक है, अब हमें समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी होगी। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एफ और एक्स होना चाहिए, क्योंकि समांतर माध्य के अगर तीनों सूत्रों में से हम कोई भी एक सूत्र का यूज करें तब भी हमें एक्स और एफ से ही गुजरना पड़ेगा। तो पहले तो एफ और एक्स पता कर लें। तो एफ तो हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है और पार्ट वन में हम सीख चुके हैं कि संख्या को हमेशा एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यह तो बारंबारता हो गया जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें जरूरत है एक्स की। तो चूंकि यहाँ पर वर्गांतराल दिया है और यदि यह वर्गांतराल नहीं दिया होता जैसे कि अभी आंकड़े दे रखे थे तो उस समय तो वही प्राप्तांक ही हमारा x था, लेकिन अब x हमारे पास नहीं है तो अब इस वर्गांतराल से हम x प्राप्त करेंगे। तो कैसे x प्राप्त करेंगे हम सीख चुके हैं। जो यहाँ पर यह निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है इसको जोड़कर आधा कर लिया जाता है। तो निम्न और उच्च सीमा को जब जोड़कर आधा करते हैं तब निकलता है मध्यमान, और मध्यमान ही एक्स कहलाता है। तो जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 5 का आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, जिसे हम 2.5 लिखते हैं। ठीक है, फिर 10 और 5 15 और 15 का आधा 7.5 होता है तो 7.5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10 और 15 25 हो जाएगा और 25 का आधा इस प्रकार से करते हैं 2 से भाग कराकर, मतलब 12.5 रह जाएगा, या इस प्रकार से भाग भी करा सकते हैं। 2 अक्कम 2 5 2 दूनी 4 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 पंचे 10, तो यह आ जाएगा 12.5, मतलब 12.5। और हम ये भी सीख चुके हैं कि जितना भी इनके बीच में अंतर होता है वही अंतर हम इसमें बढ़ाते हुए चल सकते हैं। जैसे कि इनके बीच में 5 का अंतर है तो देखिए 2 में 5 जोड़ा गया 7 हुआ, फिर 7 में 5 जोड़ा गया 12 हुआ, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा तो 17.5, फिर 17 में 5 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा तो 22.5, फिर 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा तो 27.5, फिर 27 में 5 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, फिर 32 में 5 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, फिर 37 में 5 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, फिर 42 में 5 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट का चेक भी कर सकते हैं कि 45 और 50 हो जाएगा 95 और 95 का जब हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 चक्कू 8, 1 बचा 5, 2 सत्ती
14, एक बचा दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दो पंचे दस, तो यह जाएगा 47.5, तो 47.5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो भी यहाँ पर मध्यमान निकला है यह सही निकला है। तो चूंकि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ या ए प्लस सिग्मा एफ डेल्टा अपान सिग्मा एफ या ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ और इनटू में यच। ठीक है, तो इन तीनों सूत्रों में हम कोई भी एक सूत्र यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यह सूत्र कब यूज करते हैं? जब संख्याएं छोटी हो, मतलब गुणा कराना आसान हो। फिर यदि संख्याएं बड़ी हैं तो हम यह सूत्र यूज कर सकते हैं। फिर यदि संख्याएं इससे भी बड़ी आ रही हैं तब हम यह सूत्र यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि 12वें सवाल में इन तीनों सूत्रों के बारे में सीख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि एफ और एक्स की गुणा कराएं तो एफ तो बहुत छोटा है, ठीक है, एक्स भी छोटा है, यदि गुणा करा सकें आप तो करा सकते हैं। और पहली बात तो, और जब भी एक्स दशमलव में हो तो छोटा ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कल्पित माध्य ए लेकर इसे छोटा करेंगे तो जो यहाँ पर यह दशमलव वाली संख्या है ये सब पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य ए मान लें जो कि बीच में मानते हैं, तो बीच में यहाँ पर कौन सी संख्या है, क्योंकि कुल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 22 या 27 में से हम कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। तो ज्यादातर बड़ी ही संख्या ली जाती है, तो हम यह 27.5 ले रहे हैं। तो 27.5 तो हो गया ए, और यह ए कहलाता है कल्पित माध्य। तो जब कल्पित माध्य ए मान लिया गया है तब यहाँ पर क्या निकलेगा, डेल्टा। तो डेल्टा बराबर होता क्या है, एक्स माइनस ए। तो अब प्रत्येक एक्स में से हमें यह 27.5 घटाना होगा। तो जब 2.5 में से 27.5 घटाएंगे तो माइनस की ही संख्या आएंगी जब तक इसके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार हमें 27.5 में से 27.5 घटाना होगा तब यहाँ पर बचेगा जीरो। तो जीरो के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी वो माइनस की होंगी, ये तो जान ही चुके हैं, और इसके नीचे जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्लस की होंगी। तो 27.5 में से ये संख्याएं सब घटाते रहें और माइनस का चिन्ह रखते रहें। ठीक है, तो जब 27.5 में से 2.5 घटाएंगे तो इधर बचेगा जीरो, क्योंकि 5 में से 5 का जीरो बचा, इधर बचेगा 5, 2, 25 बचेगा, मतलब जो दशमलव के बाद यह 5 है यह हट जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें 25। फिर इसी प्रकार 27.5 में से 7.5 घटाएंगे तो बचेगा 20। इस प्रकार से 27.5 में से 7.5 घटाएंगे तो जीरो, और इधर जीरो, और इधर 20.0 बचेगा, मतलब 20 ही लिख सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं चूंकि इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, इसलिए हम 5-5 कम करते हुए यहाँ तक आते रहे। ठीक है, यह भी सीख चुके हैं, क्योंकि देखिए 25 में से 5 घटा है तो 20 बचा, फिर 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 बचेगा, फिर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा, फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, और ये सारी संख्याएं माइनस की रहेंगी। अब चूंकि ऊपर से कम करते हुए आए हैं और चूंकि 27 के नीचे से ये सब संख्याएं बड़ी हैं, इसलिए अब हम इसको बढ़ाते हुए चलें। ठीक है, तो 32 में से 27 घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 में 5 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में 5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, फिर 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। या लास्ट का एक बार घटाकर भी चेक कर सकते हैं, 47.5 में से 27.5 घटाएंगे तो 0.02 20 बचेगा। ठीक है, अब देखिए लगभग जो x था वह छोटा पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव भी गायब हो गया है और 32-37 जो था यहाँ पर, ये 47 वगैरह, इनकी जगह पर 20-10-15 आ गया है, जिसकी गुणा आसानी से करा सकते हैं। और यदि इसको भी और छोटा करना चाहते हैं तो यच हमारे पास 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से, तब तो और छोटा हो जाएगा, या इतना ही पड़ा रहने दें। तो यहाँ पर अब निकालेंगे हम f डेल्टा। तो अब f डेल्टा की गुणा कराएं, वैसे f x की गुणा कराते, अब हमें f डेल्टा की गुणा करानी होगी। तो 25 की गुणा हमें 4 में करानी है, तो 25 चक्कू हो जाएगा 100, वो भी माइनस का, मतलब जब तक माइनस वाली संख्या से गुणा कराएंगे तब तक माइनस ही आएगा। फिर 20 अक्कम 20, वो भी माइनस का। फिर 15 सत्ती 105, वो भी माइनस का। फिर 10 दशमलव 100, वो भी माइनस का। फिर 7 पचे 35, फिर 16 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0, फिर 7 पचे 35, फिर 6 दशमलव 60, फिर 15 अक्कम 15 और 20 अक्कम 20। तो f डेल्टा की गुणा तो हो चुकी है। अब चूंकि हमें f डेल्टा के योग की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो हम f डेल्टा का योग पता कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f डेल्टा, तो पहले माइनस वाली संख्याएं जोड़ लें, तो माइनस वाली संख्याओं में यहाँ पर 100, 20, 105, 100 और 35 है, तो 100 और 100 हो जाएगा 200,
और 105 में 35 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा और 140 में 20 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। तो 160 और 200 360 हो जाएगा। अब प्लस वाली संख्याएं जोड़ लेते हैं तो प्लस वाली संख्याओं में 60 और 20 हो जाएगा 80 और 35 और 15 हो जाएगा 50। 0, 8, 5, 13, 130 तो 130 इसमें से अब घटा लें। तो चूंकि यहां पर माइनस वाली संख्या बड़ी है जो कि है 360, इसलिए इसको जब घटाएंगे तो माइनस का ही बचेगा जो कि बचेगा 0, 3, 2 230 वो भी माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे 230 वो भी माइनस का। और चूंकि हमें सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर सिग्मा एफ कर लें जो कि इसे जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा क्योंकि विद्यार्थी कुल 60 हैं और इसको जोड़े भी थे तब भी 60 ही प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 और यहाँ पर लिख सकते हैं योग। अब कल्पित माध्य वाला सूत्र लगाकर समांतर माध्य ज्ञात कर लें तो लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डेल्टा अपान सिग्मा एफ। तो ए का मान है 27.5 और प्लस सिग्मा एफ डेल्टा का मान है माइनस का 230 और बटे में रखना है 60 क्योंकि सिग्मा एफ का मान है 60। ठीक है, अब हम जान चुके हैं कि जो भी यहाँ पर चिन्ह आता है वही यहाँ पर चिन्ह रखा जाता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 27.5 और प्लस माइनस माइनस 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 23/6। तो 6 से 23 में भाग करा लें, जितना आएगा वह यहाँ पर रख देंगे तो 6 3 18 बचेगा 5, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 8 48 बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 6 3 18 फिर 2 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा मतलब यह आएगा 3.8333 आता चला जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखें। अब 27.5 में से हमें घटाना होगा 3.83, तो चूंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ा सकते हैं तो यह हो जाएगा 7, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 और इधर 2 तो यह आ जाएगा 23.67। अब देखिए चाहे तो इस 7 को हटा सकते हैं तो यह हो जाएगा 23। हम सीख चुके हैं कि जिस भी अंक को हटाते हैं यदि वह अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाता है। तो जब हम इसे 7 को हटाएंगे तो चूंकि यह 5 से बड़ा है इसलिए इससे पहले जो 6 है इसकी जगह पर हम 7 कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 23.7। या यदि नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इतना ही रख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर अंकों की बात की गई थी तो यहाँ पर हम अंक भी लिख सकते हैं। तो समांतर माध्य तो पता चल गया, अब हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, तो पहले तो संचयी बारंबारता पता कर लें। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें एक यहाँ पर कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा तो इसे यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लिख दें संचयी बारंबारता या CF या कैपिटल F कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हम बारंबारता से बनाते हैं। तो बारंबारता में जो पहला पद होगा पहले तो वही रखेंगे, तो 4 यहाँ पर है तो 4 का 4, अब तिरछा जोड़ेंगे तो 4 1 5, फिर 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, फिर 12 में 10 जोड़ेंगे 22, फिर 22 में 7 जोड़ेंगे 29, फिर 29 में 16 जोड़ेंगे 45, फिर 45 में 7 जोड़ेंगे 52, फिर 52 में 6 जोड़ेंगे 58, फिर 58 में 1 जोड़ेंगे 59, फिर 59 में 1 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो चूंकि बारंबारता का योग भी 60 आया है इसका मतलब संचयी बारंबारता सही बनी है। अब चूंकि इस सारणी में यहाँ पर प्राप्तांक जो दिए हुए हैं ये वर्ग अंतराल में दिए हुए हैं इसलिए हमें यन नहीं यन अपान 2 पता होना चाहिए। जैसे कि पिछले सवालों में जब वर्ग अंतराल नहीं दिया होता था तब हम यफ का योग देखते थे और यफ का योग ही एन कहलाता है, फिर यह देखते थे कि यह सम है कि विषम, लेकिन इस बार हमें सम विषम नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल है। तो चूंकि एन बटा 2 बराबर हो जाएगा 60/2, तो 60/2 करेंगे तो रह जाएगा 30। तो देखिए यदि सम और विषम वाला सूत्र लेते तो यहाँ पर चूंकि 60 है जो कि एक सम संख्या है तो हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए सम वाला सूत्र लगाते जो कि होता है n अपान 2 वहाँ पद प्लस n अपान 2 प्लस 1 वहाँ पद और सबके बटे में 2 करते थे। तो यन चूंकि 60 है तो 60 का आधा करते तो 30 हो जाता जो कि यहाँ पर भी वही देखिए आया है 30। तो जैसे कि जो यह 30 है यह हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि 30 से ज्यादा क्या है, तो 30 से ज्यादा यहाँ पर 45 है। ठीक है, इसमें भी हम वही चीज देखेंगे चूंकि यहाँ पर 30 है तो 30 किस में आएगा, 45 में आएगा क्योंकि यह 29 और 45 के बीच में है। तो 45 के ठीक सामने हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्ग क्या है इस सूत्र के लिए, तो 45 के ठीक सामने जो वर्ग है वह है 25 से 30। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जो कि वर्ग 25 से 30 में है। तो
तो इस सूत्र के लिए एक चीज तो हमें यह देखना पड़ेगा। तो चूंकि इस सूत्र के लिए यल होना चाहिए कैपिटल एफ और स्मॉल एफ आई ये सब कुछ होना चाहिए, तो पहले हम यहाँ से सब कुछ पता कर लें। तो देखिए 45 के ठीक सामने जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है इसमें निम्न सीमा जो है वह है 25 जो कि यह हो जाएगा यल, जो कि सीख चुके हैं पार्ट 1 में। तो यल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25। अब चूंकि कैपिटल एफ की भी जरूरत है तो कैपिटल एफ कितना हो जाएगा, पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि जो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता लेते हैं उसके ठीक वाली जो भी संख्या होती है वही होता है कैपिटल एफ। तो यह हो गया कैपिटल एफ या इसे हम सी एफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एफ बराबर है 29। और हमें जरूरत पड़ेगी स्मॉल एफ की, तो स्मॉल एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस 45 के ठीक सामने वाला जो भी एफ होगा वही होगा स्मॉल एफ। तो यहाँ पर है इसके ठीक सामने 16 जो कि एफ में है, ठीक है, इसलिए स्मॉल एफ हुआ 16। तो यहाँ पर लिख दें स्मॉल एफ बराबर 16 और यल यहाँ पर है 25। और हमें जरूरत है आई की, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि आई इनके बीच का अंतर होता है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 5, तो आई हो गया यहाँ पर 5। अब माध्यिका का सूत्र लगा दें तो लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर वर्ग अंतराल के लिए क्या सूत्र होता है, एल प्लस एन अपान 2 माइनस कैपिटल एफ अपान स्मॉल एफ और इनटू में आई। और देखिए इस सूत्र के लिए तीसवां पद देखते तो तीसवां पद यहाँ पर क्या आ जाता है एक्स में 27.5, क्योंकि इसके सामने है 27.5, फिर 30 में एक जोड़ते तो 31 हो जाता, मतलब हमें 31वां पद देखना पड़ता, तो 31वां पद भी इसी में आता जो कि हो जाता 27.5। और सबके बटे 2 करते तो 27.5 55 हो जाता और 55 का फिर आधा करते तो 27.5 ही रह जाता, ठीक है। तो इस सूत्र से जो मान आता माध्यिका का वह आता 27.5, लेकिन इस सूत्र से जब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो कुछ मान और आएगा। वह इसलिए मान अलग अलग आया है क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पास x है यह पहले से नहीं दिया हुआ था, इसको इस प्राप्तांक से निकाला गया है, इसीलिए वर्ग अंतराल वाली सरणी में हमें इस सूत्र का उपयोग नहीं करना होता है। तो जब हम स्मॉल एल का मान यहाँ पर रखेंगे तो स्मॉल एल का मान है 25, तो यह हो जाएगा 25 प्लस एन अपान 2 का मान है 30 माइनस कैपिटल एफ का मान है 29 अपान स्मॉल एफ हमारे पास दिया हुआ है 16 और गुणे में आई जो कि है 5। तो यह हो जाएगा 25 प्लस 30 में से 29 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यह हो जाएगा 1/16 गुणे 5, तो 1 की गुणा 5 में कराएंगे तो 5 × 5 = 16 हो जाएगा, तो 5/16 रख दें, फिर बराबर 25 प्लस अब 16 से 5 में भाग करा लें, तो जब 16 से 5 में भाग कराएंगे तो 0.0638 बचेगा 2, तो यह हो जाएगा 0.31, तो प्लस 0.31। अब 25 में जब हम 0.31 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1352 25.31, तो बराबर 25.31 अंक, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंकों की ही माध्यिका निकाली गई है, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 15वें सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करो, जो कि यह सवाल 9वें सवाल के जैसा है, तो इसे तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर 16वें सवाल में कह रहा है कि निम्न सारणी का माध्य दशमलव के 2 स्थानों तक विचलन विधि से ज्ञात करो, तो इसमें भी वर्ग अंतराल ही दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और जबकि इसमें 35 से 40 तक ही दे रखा है, फिर इससे हमें मध्यमान प्राप्त करना है और छात्रों की संख्या तो दे ही रखा है, और चूंकि यहाँ पर विचलन विधि से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो विचलन विधि का मतलब है लघु विधि से हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य, जबकि इसमें लघु विधि से ही यहाँ पर प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात किया गया था, तो इसे भी आप स्वयं ही कर सकते हैं इस 14वें सवाल के जैसे ही। यहाँ पर इतना सिर्फ कहा जा रहा है कि माध्य दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, मतलब जो समांतर माध्य आएगा वह दशमलव में आएगा, दशमलव के बाद 3 या 4 या 5 अंक होंगे, तो हमें सिर्फ दशमलव के बाद 2 ही अंक रखने हैं, और यदि तीसरा अंक 5 से बड़ा होगा तो दूसरा अंक 1 बढ़ा देंगे, और यदि 5 से तीसरा अंक कम रहा तो दूसरा अंक ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। तो 16वां सवाल भी आप स्वयं ही कर सकते हैं। फिर 17वें सवाल में कह रहा कि निम्न बारंबारता वितरण से माध्यिका ज्ञात करो, जो कि यहाँ पर माध्यिका ज्ञात की गई है, जैसे कि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है ऐसे इस 17वें सवाल में भी वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी हुई है, तो बारंबारता से पहले तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, फिर इस संचयी बारंबारता से हम
माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर 18वें सवाल में कह रहा कि निम्न सारणी से समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करो। तो चूंकि अभी बहुलक वाला सवाल नहीं किया गया है, वह सिर्फ पार्ट वन में ही सीखे थे, तो इस 18वें सवाल को कर लेते हैं। और 19वां सवाल भी ऐसा ही है जैसा कि 18वां सवाल है। तो अब इस 18वें सवाल में हमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले तो समांतर माध्य ज्ञात कर लें, क्योंकि बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सारणी आगे बढ़ाने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ बारंबारता देखनी होगी। ठीक है, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ एक कलम और बढ़ाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। तो पहले तो समांतर माध्य ज्ञात कर लें। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इस प्राप्तांकों का मध्यमान पता होना चाहिए, ताकि हमारे पास x हो सके, क्योंकि f तो हमारे पास है ही, क्योंकि इस बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो x कैसे पता करेंगे, पहले इन प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात कर लें। तो मध्यमान क्या हो जाएगा, 0 और 10 जोड़ेंगे, फिर इसका आधा करेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5 रह जाएगा, फिर 10 और 20 30, 30 का आधा 15 रह जाएगा। और चूंकि इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसलिए हम 10 बढ़ाते हुए भी चल सकते हैं। तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे 35, फिर 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। तो मध्यमान अर्थात x तो हमें पता चल गया। अब चाहे तो सिर्फ f और x की गुणा कराकर हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि f और x में कोई खास संख्याएं बड़ी नहीं है, इसलिए हम डेल्टा ना निकालें तब भी इनकी गुणा आसानी से हो सकती है। तो डेल्टा ना निकालें, सीधे fx की गुणा ही करा लें। तो जब fx की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 5 × 10, 15 × 150, 25 × 8 = 200, फिर 35 की गुणा 7 से कराएंगे तो 7 × 5 = 35 हासिल, 3 × 7 = 21 और 3 = 24, फिर 45 × 3 = 15 हासिल, 1 × 3 = 12, 1 = 13, 135 हो जाएगा। अब चूंकि हमें इसके योगफल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले तो इसका योगफल पता कर लें। तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो 135 और 245 हो जाएगा 380, 380 और 200 हो जाएगा 580, 580 और 100 680, 680 और 10 690, 690 और 50 740, तो इसका योग आ जाएगा 740। और चूंकि हमें सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर सिग्मा एफ भी निकाल लें, 8 × 2 = 10, 10 = 20, 20 + 10 = 30। तो लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य बराबर, प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र लगा दें, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है 740 और बटे में रखना है 30, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो बचेगा 74/3। तो 3 से 74 में भाग करा लें तो यह हो जाएगा 24.6666 आ रहा है। और चाहे तो दसमलव के बाद दो ही अंक रखें, जैसे कि 16वां सवाल जब करेंगे तो उसमें हमें दसमलव के बाद दो ही अंक रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा अंक 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए जब हम इस 6 को हटाएंगे तो इस दूसरे अंक में हम एक जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 7 जब यह 6 हटेगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 24.67। ऐसे ही 16वें सवाल में करेंगे। तो समांतर माध्य का आंसर आ गया 24.67, तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास संचयी बारंबारता होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पर संचयी बारंबारता ज्ञात कर लें। तो संचयी बारंबारता में जो f का पहला पद होता है वह तो ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, तो 2 का 2 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर cf लिख दें या कैपिटल F लिख दें। तो अब 2 में 10 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, फिर 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, फिर 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, फिर 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, जो कि यह संचयी बारंबारता सही है, क्योंकि इसकी बारंबारता का योग भी 30 ही है। अब चूंकि जो यहाँ पर प्राप्तांक दिए हुए हैं वो वर्ग अंतराल में है, इसलिए हम n अपान 2 देखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि n अपान 2 बराबर, n है 30, तो 30/2 करेंगे तो हो जाएगा 15। तो अब जो यहाँ पर 15 आया है, तो 15 देखेंगे कि 15 से ज्यादा संचयी बारंबारता में क्या है, तो 15 से ज्यादा क्या है यहाँ पर 20, तो 20 के ठीक ऊपर तो हो जाएगा F, वो भी कैपिटल, तो कैपिटल F तो यह हो गया। और इसके ठीक सामने वाला जो F होगा वह होगा स्मॉल F, तो यह तो हो गया स्मॉल F जो कि है 8, और इसके सामने जो वर्ग अंतराल है वह है 20 से 30, तो स्मॉल L यहाँ पर है 20। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं जो कि वर्ग 20 से 30 में है। तो लिखेंगे इसलिए कैपिटल F बराबर 12, स्मॉल F बराबर 8, L बराबर 20 और I बराबर, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस जो है वह 10 का है, इसलिए I बराबर हो जाएगा 10। अब माध्यिका का सूत्र लगा दें, तो लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर, अब इसमें सबके मान रख दें, तो L यहाँ पर है 20, तो 20 प्लस N अपान 2 की जगह पर 15 माइनस कैपिटल F है 12 अपान स्मॉल F है 8 और इनटू में I रखेंगे 10।
तो जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 20 प्लस 15 में से 12 घटाएंगे बचेगा 3/8 और 10 से इसकी गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 30/8 क्योंकि 3.30 हो जाएगा। और चाहें तो इसको काट भी सकते हैं 2 से, तो 2 × 8 और 15 × 2 = 30 तो हो जाएगा 15/4। तो यह हो जाएगा 20 प्लस 15 में भाग करा लें 4 से तो 4 × 3 = 12 बचेगा 3 decimal, 0 × 4 = 28 बचेगा 2, 0 × 4 = 20 तो यह आ जाएगा 3.75। तो जब 20 में 3.75 जोड़ेंगे तो 20 और 3 हो जाएगा 23.75। तो माध्यिका जो आई है वह आई है 23.75, तो माध्यिका का आंसर यह हो जाएगा। तो समांतर माध्य माध्यिका तो ज्ञात हो गया है, अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक के लिए चूंकि हमें F0, F1, F2, L और I इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो बहुलक में हम देखते हैं कि किस वर्ग अंतराल की सबसे बड़ी बारंबारता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारंबारता है वह है 10, जो कि यह वर्ग 10 से 20 वाले में है। तो लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 10 है जो कि वर्ग 10 से 20 की है। तो चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 10 है जो कि यह वर्ग 10 से 20 की है, इसलिए F0, F1, F2, L और I पता कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही होता है F1 और इसके ऊपर होता है F0 और इसके नीचे होता है F2, ठीक है। मतलब अगर F1 हम जान गए तो F0 और F2 भी पता चल जाएगा। तो यह गिनती बन गई 0, 1, 2 और यल कितना हो जाएगा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो कि है 10। तो यल हुआ 10 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है क्योंकि 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा, इसलिए आई जो होगा वह 10 ही है। अब बहुलक का सूत्र लगाएं तो लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर, तो सूत्र क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में I। अब इसमें सबके मान रख दें तो L है यहाँ पर 10, तो 10 प्लस F1 है यहाँ पर 10 माइनस F0 है 2 बटे 2 इनटू F1 है यहाँ पर 10, तो गुणे 10 माइनस F0 है 2 तो 2 और माइनस F2 तो F2 है 8 तो माइनस 8 और गुणे में रखना है I जो कि है 10। तो इसे जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10 और ऊपर बचा 8 क्योंकि 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, तो 8/, तो 10 दूनी यह तो हुआ 20 और माइनस की दो संख्याएं हैं माइनस का 2 माइनस का 8 तो हो जाएगा माइनस का 10, 10 तो 10 हम इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 10, तो बटे में यहाँ पर कर दें 10 और गुणे में 10 वहाँ पर ऑलरेडी है तो इस 10 से यह 10 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10+8 तो यह हो जाएगा 18। अतः बहुलक का आंसर यह आया है जो कि है 18। इसी प्रकार 19वां सवाल लगेगा जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 20 से लेकर आगे के सवाल हल करेंगे।